नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली का चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों के हाईवे पर चला गया है। विकास पर चुनाव लड़े जाने का भ्रम पूरी तरह दरक गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाषणों में औपचारिकता के लिए सड़क और स्कूल के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन माहौल बनाने के लिए काम आ रहा है पाकिस्तान, शाहीनबाग, गद्दार, गोली मारो और वो लोग। जिस तरह से दो दिनों में इन बातों को लेकर हमले तेज हुए हैं, उसमें गति इतनी थी कि जुबान फिसलने के बजाय उन्हीं रणनीतियों की भाषा बोली जाने लगी जिन्हें अगले दो हफ्तों के लिए बनाया गया। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा को नोटिस देकर जवाब मांगा है। क्या नोटिस में ही चुनाव बीत जाएगा या आयोग सख्ती से फैसला लेगा? आयोग की भी परीक्षा हो रही है। बजट के बाद प्रधानमंत्री भी दिल्ली में रैली करेंगे, क्या उनके साथ मंच पर ये दोनों नेता भी होंगे? अभी तक प्रधानमंत्री या बीजेपी के अध्यक्ष या गृहमंत्री ने दोनों के बयान की निंदा नहीं की है। मीडिया ने अनुराग ठाकुर के गोली मारने के नारे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उसे टीवी पर खेलने के लिए एक नया खलनायक मिल गया है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के बयान ने सांप्रदायिक बातों की सारी हदें तोड़ दी हैं। कपड़ों से पहचानने के प्रधानमंत्री के बयान के बाद प्रवेश वर्मा का यह बयान उसी की दिशा में अगली और खतरनाक कड़ी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं कि मैं शाहीनबाग के साथ हूं, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कहते हैं कि मैं शाहीनबाग के साथ हूं। दिल्ली की जनता जानती है, जो आग आज से कुछ साल पहले कश्मीर में लगी थी, वहां पे जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हुआ था, उसके बाद में वो आग यूपी में लगती रही, हैदराबाद में लगती रही, केरल में लगती रही, आज वो आग दिल्ली के एक कोने में लग गई है। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे, इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने, आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वो अपने आप को सुरक्षित आज भी महसूस करते हैं और वो तब तक केवल सुरक्षित महसूस करेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर कोई और प्रधानमंत्री बन गया देश का, तो देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। इसमें क्रोनोलॉजी ही भी गड़बड़ है। इस चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, तो कल भी उनको ही बचाने की जिम्मेदारी, और गृहमंत्री भी अमित शाह ही हैं, उन्हें उनकी ही जिम्मेदारी है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा अपने इस भाषण में कह रहे हैं कि लाखों लोग घरों में घुसकर बलात्कार करने आएंगे, नाम लिए बगैर शाहीन बाग से जोड़कर बलात्कार का भय खड़ा करने की कोशिश की है। क्या वाकई दिल्ली में ऐसे हालात हो गए हैं? क्या यह महिला मतदाताओं का अपमान नहीं है कि उन्हें बलात्कार का सांप्रदायिक भय दिखाकर फैसले लेने के लिए कहा जा रहा है? आप एक बार फिर से प्रवेश वर्मा को के बयानों को ध्यान में रखिए और सुनते चलिए और देखिए कि वो क्या कह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का डेटा है कि 2019 में जनवरी से जून के बीच बच्चियों, खासकर लड़कियों के खिलाफ 24,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं देश में। 2018 में यह सरकारी आंकड़ा है कि भारत में 33,977 बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं। क्या किसी भी केस में प्रधानमंत्री अमित शाह बचाने गए हैं या कुछ करने गए हैं? क्या प्रवेश वर्मा ने उन्हें कुछ करते हुए देखा है? राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार 2018 में दिल्ली में बलात्कार के 1217 मामले दर्ज हुए, तो क्यों दिल्ली प्रवेश वर्मा जी दिल्ली चुनाव का इंतजार कर रहे थे? अगर प्रधानमंत्री को ही बचाना था तो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत आती है, क्या यह प्रवेश वर्मा को मालूम नहीं? यूपी में बीजेपी का शासन है, 2018 में यूपी में बलात्कार के 4,322 मामले दर्ज हुए। सिर्फ यूपी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश में इससे ज्यादा दर्ज हुए और राजस्थान में भी 4,000 से अधिक दर्ज हुए। बलात्कार हमारे समाज का घृणित पक्ष है, लेकिन इसे एक चुनाव में, एक समुदाय या किसी प्रदर्शन में आने वाले लोगों से जोड़ना क्या सही है? यही नहीं, प्रवेश वर्मा अपने एक दूसरे भाषण में और आगे निकल जाते हैं। ऐलान करते हैं कि बीजेपी की सरकार आई तो एक महीने के भीतर सरकारी जमीनों पर बनी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। वोट करके रख लेना, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश की अस्मिता एकता का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, एक घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई
तो 11 तारीख के बाद केवल एक महीने का समय मुझे दे देना, मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है एक महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। क्या ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला नहीं है? लैंड जो है वो डीडीए के तहत आता है। अगर सरकारी जमीन पर कोई मस्जिद अतिक्रमण करके बनी है तो उसका भी पिछले 5 सालों में कानून के हिसाब से उसे हटाया जा सकता था। जब हमारी सहयोगी अंजलि इस्टवाल ने प्रवेश वर्मा से सवाल किया तो प्रवेश वर्मा इधर उधर की बात करने लगे, अपने बातों के समर्थन में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को लाने लगे। ये कहना कि ये लोग आपके घर में जाएंगे, आपकी माँ बहनों के साथ बलात्कार करेंगे, आपको खेद है इस पे या आप अपने बयान पे कायम? देखिए, हमने रोज देखते हैं पाकिस्तान में, मेरे पास में 54 हमारी हिंदू बहनों की लिस्ट है जो पाकिस्तान में, जिनको उठाकर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। ना वहाँ पे कोर्ट कुछ बोलती है, ना वहाँ पे पुलिस कुछ बोलती है। हमने देखा आज से 1980 के दशक में हमारे कश्मीर पंडितों को 25-25 साल के युवाओं को बाहर बिठाकर, उनके घुटने के बल बिठाकर उनके सर में गोली मारी गई, उनकी माँ बहन के साथ में रेप किया गया, उनकी जमीन छीन ली गई, सारे वहाँ के कश्मीर को छोड़कर चले गए। यह हमने देखा 1984 में, जब यहाँ पे सिखों का कत्लेआम हो रहा था, कोई सरकार नहीं बोलती थी। यह हम देश के हर कोने कोने में देख चुके हैं। पर आप आज, मैं एक बस पाकिस्तानियों की बात यहाँ पे करके फायदा नहीं है, वो तो हमारे पंडितों की बात कर रहा हूं। और कश्मीरी पंडितों, तो फिर इसमें गुजरात की भी बात उठाई जा सकती है। सवाल ये है कि वो भी हमारे देश का हिस्सा है। अगर मुसलमान भाई है, आप ही ने खुद कहा माँ बहने बैठी, उनको कोई बहका रहा है, तो फिर अगर कोई जिहाद के नारे लगाएगा, जिहाद का मतलब होता है सारे नॉन मुस्लिम को मुस्लिम बनाना, अगर कोई जिहाद के नारे लगाएगा उसके ऊपर में हम कैसे चुप बैठेंगे? वो आग कल को इस तरफ भी बढ़ सकती है, हम तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। शाहीन बाग के मंच से बार बार कहा गया है कि यहाँ से धार्मिक नारे नहीं लगाए जाएंगे, उसका समर्थन नहीं किया जाएगा, देश विरोधी संविधान के खिलाफ वाले नारे नहीं लगाए जाएंगे। क्या चुनाव आयोग यह कहता है? अगर कोई जिहाद के नारे लगा रहा है तो आपको धार्मिक उन्माद के नारे लगाने की इजाजत है, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मस्जिद तोड़ने के नारे लगा सकते हैं क्या? प्रदर्शन से जुड़े लोगों को इस तरह से पेश करेंगे कि वो घरों में घुसकर बेटियों को उठा ले जाएंगे, मार देंगे, बलात्कार करेंगे? अनुराग ठाकुर ने सफाई के नाम पर इतना ही कहा कि पूरा वीडियो देख लीजिए। आपके जो अभी आपका सभा हुई थी वहाँ पर नारे लगे थे देश के गद्दारों को गोली मारो, तो ये गद्दार कौन है हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप पहले पूरा वीडियो देखें और दिल्ली की जनता का मूड क्या है उसको देखें। कमाल का जवाब है। क्या अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का गोली मारने का मूड है? अगर जनता में गुस्सा है भी तो उसे गोली मारने के लिए उकसाया जा सकता है क्या? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी कहते हैं कि गोली मारने की बात जनता कर रही है, दिल्ली की जनता। मनोज जी, ये बताइए कि मंत्री के सामने गद्दारों को गोली मारने की बात हो रही है, किस तरीके का बयान है सर? और जनता को हिंसक भीड़ में तब्दील कर देना। असल में मुझे ऐसा लगा कि मंत्री जी पूछ रहे हैं कि देश के गद्दारों को क्या करना चाहिए। सर, तो कानून बना हुआ है, कोर्ट है, कि उनको आप गोली मारने की बात कर रहे हैं। नहीं, गोली मारने की बात जनता कर रही थी, मंत्री जी नहीं कर रहे थे। कमाल है, गोली मारने का आरोप सीधा जनता पर मढ़ दिया गया। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा दोनों ही बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, दोनों को चुनाव आयोग ने नोटिस देकर जवाब मांगा है। कांग्रेस के अजय माकन और सुभाष चोपड़ा ने चुनाव दोनों के बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। हम लोगों ने आज इलेक्शन कमीशन को का ध्यान हम लोगों ने आकर्षित किया, जिस तरीके से स्टार कैंपेनर्स भाजपा के जग प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर ने जिस भाषा का प्रयोग चुनाव की सभाओं में किया है, जिस तरीके से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इंक्लूडिंग अमित शाह जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग दिल्ली के अंदर गली गली में जा कर के कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाजपा अपने हार से बौखला करके दिल्ली के अंदर माहौल को कम्युनलाइज और पोलराइज करना चाहती है। और हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें
क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है कि दिल्ली के अंदर कोई माहौल खराब ना हो। शाहीन बाग अब मुद्दा बन चुका है। पहले कहा गया कि वहां आने वाले लोगों को 500 रुपए मिलते हैं, ये आरोप नहीं चल पाया। तो फिर मजहब का टैग लगाया गया, वो नहीं चल पाया। फिर शाहीन बाग से पूछा गया कि कश्मीरी पंडितों पर क्यों नहीं बोलते हैं, तो वहां 19 जनवरी 2020 को कश्मीरी पंडितों की हालत पर चर्चा हुई, लोग बोलने आए और छात्रों ने उनके साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ सहानुभूति जताने के लिए पोस्टर बनाए। 14 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में इस प्रदर्शन को हटाने के लिए याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि धरना कहाँ हो, कैसे हो, उसे लेकर हम कोई आदेश नहीं दे सकते। जमीनी हकीकत को देखते हुए पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल करे, क्योंकि वहां हालात बदलते रहते हैं, बल की जगह बातचीत का सहारा ले। बातचीत के नाम पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने शाहीन बाग के धरने में शामिल कुछ लोगों से बातचीत भी की, नतीजा नहीं निकला। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण का जंतर मंतर को लेकर। इसमें कहा गया है कि दो जजों की बेंच ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। लोकतंत्र के लिए यह अधिकार बेहद जरूरी है, खासकर भारत के संदर्भ में और भी जरूरी, जहां अगर कोई हाशिए के लोग हैं जिन अल्पसंख्यकों का अच्छे से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, वो अपने अधिकार की दावेदारी इस तरह से करते हैं। लोकतंत्र नागरिकों की भागीदारी पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं अतीत में, ये इससे हम इन प्रदर्शनों को समझ सकते हैं। प्रदर्शन को लेकर अदालतों के आदेश को इस बहस में भुला दिया गया। ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग के भीतर धरना प्रदर्शन को हटाने और जारी रखने को लेकर बहस नहीं है। हर दिन वहां सवाल उठता है कि क्यों ना धरने को कहीं और ले जाया जाए। आज भी कई लोग कह रहे थे कि अब ये धरना यहां से हट जाना चाहिए या एक तरफ से रास्ता खोल दिया जाए। 28 जनवरी की शाम शाहीन बाग के शामियाने में कोई पिस्तौल लेकर आ गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने काबू में कर लिया और पुलिस को सौंप दिया। यह व्यक्ति किस मकसद से और किसके फायदे के लिए पिस्तौल लेकर गया था, इसकी जांच हो रही है। यहां जहां पर पुलिस का इतना सख्त पहरा हो, वहां पर कोई पिस्तौल लेकर जाने और लहराने का प्रयास यूं ही नहीं करेगा। लेकिन इसी के साथ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े लोग मंच तक जाना चाहते थे कि प्रदर्शन हटा लिया जाए, मगर महिलाओं ने इन्हें वापस जाने के नारे लगाए। मैं यहाँ के RWA से हूँ, अब्दुल गफ्फार खान मेरा नाम है, और हम 40 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। हम शुरू से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक साइड का रास्ता खुल जाए, प्रोटेस्ट भी चलता रहे, और जो अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं उन्हें आने जाने में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हो रही है। तो यही देखते हुए हम इन लोगों से शुरू से ही बात करते चले आ रहे हैं कि एक साइड का रोड खोल दिया जाए, ताकि जो ओखला का आवाम है, बाहर का पूरी दिल्ली इससे परेशान है, उन लोगों को परेशानी ना हो। 18 साल मुझे शाहीनबाग में रहते हो गए, यहाँ 3% लोग इसमें शाहीनबाग के नहीं है, 3% भी लोग शाहीनबाग के नहीं है। और जैसे कि कुछ औरतें और कुछ लोग यहाँ मिले हुए RSS BJP के, वो इसको नहीं खुलवाना चाह रहे हैं। बाकी कोई भी रास्ता खुलवाना है, हम नहीं खोलेंगे। अरे हमारी सुनो तो सही, आके हम जो कहना चाहते हमारी आवाज़ तो सुनो, हम लोग कुछ कहना कह रहे हैं, हम यहाँ शौक से नहीं बैठे। अरे तुम लोगों को तो इतनी शर्म आनी चाहिए क्या, हम लोग रास्ता किस लिए जाम करें, सिर्फ इसलिए ना कि काले कानून हट जाए। अरे जब हम लोगों के घर बारे तुम लोग छीन लोगे, तुम कहाँ रहेंगे। जब इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि कोई सरकार का जाकर उनकी बात सुने और उसके बाद वो हटा लेंगे, तो सरकार का कोई जाता क्यों नहीं है? क्या इसलिए नहीं जा रहा है कि इनका होना राजनीतिक फायदे की बड़ी वजह बन सकता है? शर्जील इमाम पर अब आते हैं। 25 जनवरी को BJP प्रवक्ता संबित पात्रा शर्जील इमाम का एक छोटा सा 2.5 मिनट का वीडियो ट्वीट करते हैं और वो वायरल हो जाता है। वह पहले यह धारणा बन गई कि वीडियो शाहीन बाग का है, लेकिन पता चला कि अलीगढ़ का है। शर्जील के बारे में जो अभी तक जानकारी है वो बाय डेटा टाइप है, इसलिए जरूरी है कि और भी जानकारी सामने आए। जैसे IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है, वहां पढ़ाया है, JNU से PhD कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। उसकी गतिविधियां या विचारधारा के सूत्र सार्वजनिक नहीं है, जब सामने आएंगे तो उस पर बात हो सकती है। ये शर्जील का ट्वीट है, इसमें इसने दावा किया है कि पुलिस के सामने सरेंडर किया है, अब उसकी सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस के हाथ में है, पुलिस कहती है गिरफ्तार किया है। शर्जील की मां का बयान भी आया है कि उनका बेटा चोर नहीं है जो पुलिस से भागेगा। शर्जील के पिता जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हार गए थे, उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी शहर में, अब इस दुनिया में नहीं है। शर्जील के चाचा भी राजनीतिक हस्ती हैं, JDU में हैं।
मेरा बेटा एक सच्चा देशभक्त है, वो देश तोड़ने की बात कभी नहीं करता है। उसने कहीं भी आसाम को देश से अलग करने की बात नहीं की है, नहीं किया है, नहीं किया। उसका मकसद सिर्फ चक्का जाम करने का था ताकि सरकार पर दबाव पड़े और एनआरसी सीएए से जैसे मुद्दों पर दूर मुद्दों पर विचार कर सके। ये पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मेरे बेटा को बदनाम करने की साजिश है। चूंकि दिल्ली में इलेक्शन करीब है, आप लोगों से अपील है कि मेरे बेटे पर संगीन आरोप लगाए गए हैं, उसे सच न माने। शुरुआत में शर्जिल इमाम के वीडियो को शाहीन बाग से जोड़ा गया, जब अलीगढ़ का होने की बात सामने आई तो अलीगढ़ वाला हिस्सा किनारे कर दिया गया। तुरंत ही शाहीन बाग ने बयान जारी कर दिया था कि शर्जिल इमाम का उनसे कोई संबंध नहीं है, उनके आंदोलन में कोई एक नेता नहीं है, ना ही किसी एक की भूमिका है। हालांकि शर्जिल इमाम खुद को इसका मास्टरमाइंड बताता रहा है। शाहीन बाग इसकी बातों से खुद को अलग करता है, इस बयान में था और शाहीन बाग के मंच से ये भाषण नहीं दिया गया है। लेकिन शर्जिल इमाम ने 2 जनवरी को अपने फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट लिखा कि राजनीतिक पार्टियों के गुंडों द्वारा हिंसा की आशंका और आंदोलन के राजनीतिकरण से बचने के लिए चक्का जाम को वापस ले लिया है। वो शाहीन बाग के बारे में बात कर रहा है कि हमें आशंका थी कि पुलिस को बीच में ना लाकर बीजेपी आंदोलनकारियों के साथ हिंसा करना चाहती थी, यदि ऐसा होता है तो अहिंसात्मक आंदोलन पर ना केवल दाग लग जाएगा बल्कि लोगों का मनोबल टूट जाएगा। हम कुछ दिन बाद इस रोड को दोबारा जाम कर सकते हैं यदि हम शांतिपूर्वक हट जाएं। अगर ये नेता होता तो शाहीन बाग का आंदोलन खत्म हो चुका होता। जाहिर है कि उसके बाद भी जारी रहा, इस पोस्ट के बाद भी। क्या आपको ये बताया गया है कि शर्जिल इमाम ने शाहीन बाग के आंदोलन को अहिंसात्मक भी कहा है और नहीं चाहता कि वो हिंसात्मक हो, और इसके वापस लेने का ऐलान भी किया था जिसे किसी ने नहीं माना। लेकिन 2.5 मिनट के शर्जिल के बयान को वायरल किया गया और उसके बयान को लेकर राजनीति गरमाई गई। पहले आप इस हिस्से को भी सुन लीजिए जिसे संबित पात्रा ने ट्वीट किया था। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना। और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं। इस बयान को ऐसे पेश किया गया कि शर्जिल ने असम को भारत से काटने की बात की है। जाहिर है कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो ऐसा ही कह रहा है? सुनने में तो ऐसा सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर आप इसके पूरे बयान को देखिए तो कुछ और पता चलेगा। शर्जिल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि चक्का जाम की बात कर रहा था। 24 जनवरी के फेसबुक पोस्ट में वो लिखता भी है कि शाहीन बाग का मॉडल चक्का जाम का मॉडल है। एक तथ्य है, 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दिल्ली में पानी की सप्लाई काट दी गई थी, सेना को बुलाना पड़ा था पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए, तब भी काफी प्रतिक्रिया हुई थी, लोग नाराज हुए थे कि एक शहर की का पानी कैसे बंद कर सकते हैं। लेकिन तब ऐसी बहस नहीं हुई थी, कोई किसी को बुलाकर देशद्रोह या राजद्रोह का मामला उस पर दर्ज नहीं हुआ था जैसा शर्जिल इमाम के साथ हुआ। क्या शर्जिल इस तरह की बात कर रहा है जैसा जाट आंदोलन के समय हुआ, या वाकई असम को देश से काटने की बात कर रहा है? तो फिर वो अहिंसात्मक आंदोलन की बात किसी और जगह पर क्यों करता है? इसी तरह के उतार चढ़ाव उसके विचारों में दिखाई देते हैं। 40 मिनट का वीडियो है उसका पूरा। लेफ्ट और एबीवीपी की हिंसा से सतर्क रहने की बात वो करता है जेएनयू में। यह सब तब पता चलेगा जब आपको बताया जाएगा कि आप अलीगढ़ में उसके भाषण का पूरा वीडियो सुनिए 40 मिनट का। बहुत सारे हिस्से हैं जिनसे कोई सहमत नहीं हो सकता है, मगर क्या वो देश को तोड़ने वाली बातें हैं, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। वीडियो में शर्जिल कांग्रेस को हिंदू पार्टी करता है, एंटी मुस्लिम कहता है, कांग्रेस पर आए दिन नरम हिंदुत्व का आरोप दूसरे भी लगाते रहते हैं। अगर यह वायरल कराया जाता ये हिस्सा, तो फिर उस आरोप का क्या होता कि शाहीन बाग के पीछे कांग्रेस है। शर्जिल इसी वीडियो में लेफ्ट पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगाता है, जो वैसे भी लगता रहता है गंभीर विश्लेषणों में, लेकिन जब हिस्से को वायरल कराया जाता तो वो आरोप भी पानी हो जाता कि लेफ्ट के लोग आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। जब शर्जिल गांधी को 20वीं सदी का सबसे बड़ा फासिस्ट कहता है, उसे क्यों नहीं वायरल कराया गया? शर्जिल जेएनयू के वामपंथी संगठन
और एबीवीपी दोनों को हिंसक बताता है और इनसे सतर्क रहने की बात करता है। देखिए, अगर गांधी वाली बात को वायरल कराया जाता तब सवाल उठता कि देशभक्त को, गोडसे को देशभक्त कौन कह रहा है। जेएनयू वाली बात जिसमें लेफ्ट और एबीवीपी दोनों को वो वायलेंट कह रहा है, वो वायरल कराया जाता तो शाहीन बाग के पीछे जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की बात फ्लॉप हो जाती। शर्जिल इमाम कन्हैया की भी आलोचना करता है। इस पूरे वीडियो को सुनकर लिखने वाले पत्रकार मोहम्मद असीम से सुशील महापात्र ने बात की। असीम का कहना है कि जिस वीडियो में, जो 40 वीडियो की हम बात कर रहे हैं, शर्जिल सारे दलों की आलोचना करता है, बीजेपी आरएसएस के बारे में एक शब्द नहीं कहता है, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक शब्द नहीं कहता है। असीम जी, शर्जिल इमाम की जो स्पीच है उसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और आपने पूरी स्पीच को सुना है और आप इसके ऊपर फेसबुक में लिखा भी है। मीडिया में उनको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, क्या वो सही है? देखिए, एक छोटा सा क्लिप जब इनका शर्जिल इमाम का पब्लिक हुआ और टीवी पर जो है मुस्तकिल उस पर चलने लगा कि ये एक हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है और आसाम को काटने की बात कर रहा है और टुकड़े टुकड़े के साथ में उसको जोड़ा जाने लगा, तो मैं क्यूरियस हुआ। मैंने कहा देखना चाहिए कि स्पीच है क्या। तो जब स्पीच को मैंने सुना तो मैं दंग रह गया कि ये एक चीज़ को निकाल करके एक एजेंडा के तहत जो है वो चलाया जा रहा था। जबकि आप अगर वो स्पीच सुने शर्जिल इमाम की, 40 मिनट मैंने सुना, उस स्पीच में वो किसके खिलाफ बोल रहा है? वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है, वो कन्हैया कुमार के खिलाफ बोल रहा है, वो लेफ्ट के खिलाफ बोल रहा है, वो गांधी को बुरा बोल रहा है, फासिस्ट बोल रहा है, वो जो एएमयू के प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन जाने माने इरफान हबीब साहब, उनके खिलाफ बोल रहा है। तो वो इन सब के खिलाफ बोलता है, वो जामिया की जो प्रोटेस्ट कमेटी है उसके खिलाफ बोलता है, वो शाहीन बाग के बारे में बताता है कि उसको स्टेज से हटा दिया गया क्योंकि उसके ख्याल मिलते नहीं थे, उन लोगों को उसके ख्याल पसंद नहीं आए, और वो एक NRCU CA के प्रोटेस्ट की मंच से बोल रहा है, लेकिन वो कहीं भी प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलता, वो कहीं भी होम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं बोलता, कहीं भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं बोलता, वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता। तो ये जो पूरा जो बेसिकली एक हिट जॉब है कि आपने जो आपके एजेंडा को सूट करता था वो एक क्लिप निकाल लिया और वो चला दिया, जिससे कि आप पूरे प्रोटेस्ट को जो है वो बदनाम कर सकें। जो बाकी उसकी स्पीच है उसको अगर आप चलाएंगे तो पता चलेगा कि ये इसका कुछ भी लेना देना नहीं है उन प्रोटेस्ट से, वो उस प्रोटेस्ट में बिलीव ही नहीं करता है जैसा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पूरा गांधीयन प्रोटेस्ट चल रहा है, सत्याग्रह और गांधी के इंक्लूसिवनेस के पूरे इस पर चल रहा है आधार पर ये प्रोटेस्ट, और वो आदमी गांधी को फासिस्ट बोलता है। तो आपको ये लगता है कि इस पर सेडिशन चार्ज जो लगाया है सरकार ने वो लगनी चाहिए? ब्लॉकेट की जहां तक बात है तो हमने इस देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट में बहुत तरह के ब्लॉकेट देखे हैं। अभी जब एजिटेशन चल रहा था तो दिल्ली में पानी की सप्लाई काटी गई, वो भी एक तरह से ब्लॉकेट था ना, आर्मी बुलाई गई उसको फिर रिस्टोर करने के लिए। कश्मीर में बीजेपी के ही समर्थकों ने रास्ता ब्लॉक किया, हाईवे ब्लॉक किया कश्मीर का इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने के लिए, जब वो अमरनाथ वाला एजिटेशन चल रहा था। इसी तरह से हमने अभी नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट प्रोटेस्ट में हमने अलग अलग तरीके के ब्लॉकेट्स देखे हैं। तो ब्लॉकेट एक प्रोटेस्ट का तरीका होता है, हम उससे अग्री नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो एक वो ब्लॉकेट की बात कर रहा है इन अ प्रोटेस्ट। वो ये नहीं कर रहा है कि मैं कहीं आसाम को काट करके अलग ले जाऊंगा या देश के टुकड़े कर दूंगा, लेकिन आपने वो के काट देंगे और बंद कर देंगे क्योंकि वो आपके नैरेटिव को सूट करता है, तो आपने उसको उठा लिया उसमें से और उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बना दिया। क्योंकि उमर खालिद और कन्हैया पुराने हो गए, 4 साल तक उमर खालिद और कन्हैया चले थे, अब शर्जिल इमाम मिल गया है तो अब ये चलेगा। क्या असीम की बात सही है कि उमर खालिद और कन्हैया पुराने हो गए तो शर्जिल का नया चेहरा लाया गया? क्या शर्जिल पर राय बनाने से पहले उसके 40 मिनट के पूरा वीडियो को नहीं सुना जाना चाहिए? उसकी बातों से तो यही लगता है कि वो अपना कोई स्पेस बना रहा है, खुद नेता बनना चाहता है। शर्जिल के पुराने पोस्ट को भी देखा जाना चाहिए कि वो कहां कहां हिंसा की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप किसी को राजद्रोह के आरोप में पकड़ रहे हैं और खासकर उसका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं तो क्या ये बात सही नहीं है होती कि पूरा वीडियो पब्लिक के सामने लाया जाता? अगर गलत है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। शर्जिल के बयान से ना लेफ्ट सहमत होगा, ना कांग्रेस सहमत होंगी, ना गांधीवादी, लेकिन उसके एक हिस्से से बीजेपी क्यों उत्साहित? शर्जिल हो या कोई हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सांप्रदायिक तत्व मुसलमानों में भी हैं और उनको लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
मगर उनको जब दिखाया जाए तो उस तरफ भी देखना चाहिए कि उनके हिंदुओं के सांप्रदायिक तत्वों को किस तरह से राष्ट्रवादी तत्व बताकर पुलिस चुप रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। सांप्रदायिकता को खुराक भोजन दूसरे के घर से मिलता है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को भोजन हिंदुओं के घर से मिलता है और हिंदू सांप्रदायिकता को भोजन मुसलमानों के घर से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के घर पर ब्रेकफास्ट और डिनर करते रहते हैं। जो खाना खराब है उसका साथ कभी मत दीजिए, फेंक दीजिए, सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी। शर्जील इमाम प्रकरण के दो पक्ष हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों पक्षों को अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो हम इस प्रकरण के पूरे राजनीतिकरण और मीडियाकरण को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहला जो पक्ष है वो है कि एक जेएनयू का स्टूडेंट है जिसका नाम शर्जील इमाम है, वो सीएए के ऊपर, सीएए के विरोध में चल रहे आंदोलन को एक मुस्लिम नज़र से देखकर कुछ भाषण देता है। वो भाषण अत्यंत निंदनीय है और यही कारण है कि उसको पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। शर्जील इमाम की भाषा निंदनीय है जैसे मैंने कहा, और जो तर्क वो दे रहा है बहुत दिलचस्प है। वो वही बात कह रहा है जो बीजेपी चाहती है, यानी वो ये कह रहा है कि दरअसल जो नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में आंदोलन चल रहा है वो दरअसल मुसलमानों का आंदोलन है और ये मुसलमानों का आंदोलन सरकार के भी खिलाफ है और हिंदुओं के भी खिलाफ है। तो अगर ये तर्क, इस तर्क की अगर हम गहराई देखें तो मूल तौर पर शर्जील इमाम वही बात कर रहा है जो अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ने वाले राजनेता, पत्रकार और बुद्धिजीवी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुत्व को जिस मुस्लिम चेहरे की या जिस मुस्लिम तर्क की तलाश है वो शर्जील इमाम में मौजूद है। तो जैसे ही शर्जील इमाम प्रकरण आता है तो इसलिए इसका दूसरा पक्ष अब आता है। दूसरा पक्ष क्या है कि इसका राजनीतिकरण कर दिया जाए। अब राजनीतिकरण, एक राजनीतिकरण के भी दो स्तर हैं। पहला स्तर है कि उसको अभी राजनीतिक बना दिया जाए, तो अभी राजनीतिक बनाने में दिल्ली का चुनाव है, शाहीन बाग, वैसे ही अमित शाह की जो नई जबान है अमित शाह की, उसमें शाहीन बाग जो है एक प्रतीक है और वो लगातार शाहीन बाग के विरोध के नाम पर लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो वोट दें। यानी आप सीधे तौर पर तो हिंदू मुसलमान करेंगे नहीं, आपको शाहीन बाग बनाम भाजपा करना है जो कि आप कर रहे हैं। तो इस पूरे जो संरचना है, इस संरचना में सबसे ज्यादा जो मिसिंग लिंक है वो है एक चेहरा। अगर आपको कोई ऐसा मुसलमान चेहरा मिल जाए जिसको कि आप नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ होने वाले आंदोलन का चेहरा बना दें तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब शर्जील इमाम जो है उसका, इसीलिए जैसे ही वो पकड़ा गया वैसे ही उसका मीडियाकरण शुरू हो गया। ये कहा जाने लगा कि वो शाहीन बाग का मास्टरमाइंड है। अरे भाई, शाहीन बाग कोई बदमाशों का अड्डा है जिसका कोई मास्टरमाइंड होगा? नहीं, वो एक आंदोलन है। तो क्या इसलिए गृह मंत्री अमित शाह उसके अपने बयान के जिक्र में अपनी तरफ से कुछ जोड़ भी देते हैं जो शर्जील ने नहीं कही? असीम ने बताया कि शर्जील ने असम को लेकर तो बयान दिया है लेकिन ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में मिला देंगे। असम के बगल में बांग्लादेश है, वैसे अगर भूगोल भी देखें तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप देखिए कि शर्जील कितना काम आ रहा है और किसके काम आ रहा है। उन्होंने कहा कि असम को हमारे नक्शे में चिकन नेक है, इसको काट दो तो असम पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। अब ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? आप जरा सुनो, उनके वीडियो सुनो, सोशल मीडिया में घूम रहे युवाओं, सुना है या नहीं सुना है? हमने इन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम कर रहा है। अमित शाह पता भी बता रहे हैं कि ये वीडियो कहां कहां घूम रहा है। बात यह है कि अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाता, सारे तथ्यों को सामने रखता तो जनता इस तरह से गोली मारने के जवाब में गोली मारने का नारा नहीं लगाती। शर्जील से कोई हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है, मगर कानून की बुनियादी शर्तें पूरी होनी चाहिए। जिस जनता में वो आतंकवादी बताया जा रहा, क्या उसके पूरे वीडियो को नहीं बताया जाना चाहिए कि क्या क्या है? क्या उस वीडियो की बातों को नहीं बताना चाहिए? अब आप देखिए कि अगर ये बताया जाए कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जब पंजाब के दो अधिकारियों ने खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए वो राजद्रोह नहीं है क्योंकि उसे तात्कालिक अशांति या खतरे की स्थिति पैदा नहीं होती है, तो खुद कोर्ट ने उसे उन्हें छोड़ा है। अब मीडिया इस तरह की बातों को नहीं बताया जाता है। अब मीडिया इस वीडियो को लेकर कैसे रिपोर्ट कर रहा है उसकी भाषा पर गौर कीजिए, जो हिलाल ने कहा।
जो मंत्री गोली मारने के नारे लगा रहे हैं उनके बारे में कहता है विवादित नारे लगाए हैं, यह भी नहीं बताता कि गोली मारने की बात कर रहे हैं और उसमें राहुल गांधी का भी नाम ले रहे हैं आगे के भाषण में। शर्जिल के वीडियो को लेकर मीडिया कथित भी नहीं लगाता, सीधे देशद्रोही और आतंकवादी घोषित कर देता है। राजनीतिक दल भी ऐसा करते हैं। एक तरफ अनुराग ठाकुर भीड़ को उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ शर्जिल को लेकर एक भीड़ बनाई जा रही है। जेएनयू में नकाब पहनकर गुंडे हॉस्टल में घुस गए, मारपीट की, वीडियो आया, आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं। सिर्फ एक सवाल से टेस्ट कर लीजिए गोदी मीडिया को। जिन चैनलों पर शर्जिल इमाम को लेकर बड़ा बवाल मचा है, क्या वहां पूरा वीडियो दिखाया जा रहा है? क्या वहां तीन आतंकवादियों को लेकर दिल्ली आ रहे देवेंद्र सिंह को लेकर सरकार से पूछा जा रहा है? आपको जवाब मिल जाएगा, किसी से कोई हमदर्दी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना फैसला तथ्यों के आधार पर कीजिए और हर तरह के सांप्रदायिक तत्वों से सावधान रहिए, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिक तत्व हो या मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व हो। बाकी ब्रेक के बाद अर्थव्यवस्था का भी हाल देख लीजिए। केंद्रीय बजट से पहले चमड़ा उद्योग याद दिला रहा है कि उसे अब भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी के असर से जूझना पड़ रहा है। चमड़ा उद्योग भी चाहता है कि वित्त मंत्री टैक्स में राहत का ऐलान करें और रोजगार के अवसर बनाएं जो पहले बने हुए अवसर ध्वस्त हो गए हैं। हमारी फैक्ट्री की कैपेसिटी 2200 से 2400 पेयर पर डे की है। आज की तारीख में व्यवस्था में हम 800 से 1000 पेयर तक निकल जाते हैं एवरेजली करने के लिए, यानी 60% से ज्यादा कम हो गया है प्रोडक्शन कम हो गया, करेक्ट। 10 सितंबर 2019 को जूता एक्सपोर्टर सुनील हरजाई ने एनडीटीवी से ये बात कही थी। अब उनकी फिक्र दूसरी है। विदेशी कंपनियों की ओर से मांग कुछ बढ़ी है, लेकिन दबाव दाम कम करने का है। अगर कोई $18 का जूता सितंबर में आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो अभी कितने डॉलर के जूतों की डिमांड हो रही है? अब उसको 14, 13.5, 14 में मांगा जा रहा है। प्रोडक्ट की वैल्यू सेम ही होनी चाहिए और उसमें चेंजेस नहीं मांगते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, और उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट सबसे हायर हो रहा है, मटेरियल कॉस्ट का 30-40% बढ़ गया हुआ है। सुनील हजाई कहते हैं फुटवेयर एक्सपोर्ट उद्योग को बचाने के लिए ये जरूरी है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स में राहत दें। जूता उद्योग पर फिलहाल दो तरह की जीएसटी रेट लगती हैं। एक जो ₹1000 तक का जूता है उसे 5% की जीएसटी कैटेगरी में रखा गया है, जबकि जो जूते का सोल है उस पर 18% जीएसटी लगता है, और साथ ही जो एडहेसिव्स हैं 18% लगते हैं उस पर भी 18% लगता है। यानी आप जो इनपुट कॉस्ट है जूते का उस पर जीएसटी ज्यादा है। जो इनपुट कॉस्ट है उसका बहुत ज्यादा है इसके अंदर करने के लिए, इसीलिए हमारे को चाहिए एक स्टैंडर्ड रेट 10-12% में आके हो जाए, जो कि हमारे को उसकी वायबिलिटी पूरी निकलती है। आज देश में सुनील हजाई जैसे करीब 3500 चमड़ा उद्योग से जुड़े निर्यातक हैं जो ये दबाव झेल रहे हैं। 2017-2018 में भारत के चमड़ा और जूता उद्योग ने $5.74 अरब का निर्यात किया। इस उद्योग से 44 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। भारत में विदेशी मुद्रा कमाने वाले 10 सबसे बड़े क्षेत्रों में चमड़ा उद्योग भी है। निश्चित तौर पर अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करती हैं, तो इस तरह की जो मांगें और जिन तरह की चुनौतियों से एक्सपोर्टर्स को जूझना पड़ रहा है उनको एड्रेस करने के लिए वो क्या नया रोड मैप पेश करती हैं। नोएडा से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।